आपका रब आप पे नाराज नहीं, कला नाराज, काफ नहीं मिलाया। जी। मा वद्दअका रब्बुका वमा कलाका, ये होना चाहिए था, लेकिन वहाँ काफ को हटा दिया के नाराजगी के लफ्ज़। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई एम हरवर, आई एम मंजोत, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरमनजोत रिएक्शन। सो गाइस, आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सक्लूसिव RIS कनाडा 2019 मौलाना तारिक जमील जी लेटेस्ट बयान 2019 का है ये, एंड ये फुल बयान है एंड पूरा बयान है एंड हम इसके कोई भी पार्ट नहीं बनाने वाले, यही वीडियो में आपको फुल दिखेगा रिएक्शन, वो भी पूरा एक घंटे का। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा होने वाला है। यस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ज्यादा मींस काफी ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा का बयान है। एग्जैक्टली, सो एंड गाइस आपको पता ही होगा हमने मौलाना तारिक जमील जी के बहुत सारे हमने उनके बयानों पर रिएक्शन दिया है एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो भी उनकी बातें होती हैं, उनका बयान एंड उनके एडवाइस, उनके जो भी वो पॉइंट्स बताते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग उनके पॉइंट्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एज वेल एज हेल्पफुल बयान रहते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो आप भी देखें, भी देखें। Let's start. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ो बच्चों, बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज मुझे कहा गया है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी क्या है। जी। तो मैंने दो हदीसें पढ़ी हैं, उस बाद में बात करेंगे। हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअ्तीका रब्बुका फ़तरज़ा। इसमें एक तो तर्जमा है वद्दुहा, जी, रोशनी की कसम, जी, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात छा जाए उसकी कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और आपका रब आप पे नाराज नहीं, क़ला नाराज, काफ नहीं मिलाया। जी। मा वद्दअका रब्बुका वमा कलाका, ये होना चाहिए था, लेकिन वहाँ काफ को हटा दिया कि नाराज़गी के लफ्ज़ के साथ अपने नबी के नाम को नहीं जोड़ा। ये तो अल्लाह का एजाज़ और इकराम है। इमाम राज़ी तफसीर के किंग हैं, उनके दो तर्जमे बताता हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके रोशन इल्म की कसम, वल्लैल इज़ा सजा आपकी चादर की कसम, काली चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनाहगारों को छुपा लेंगे। माशाल्लाह। तीसरा तर्जमा, ये इमाम राजी की बात है इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ। वद्दुहा, ये मुझे सबसे पसंद है जो अब मैं कहने लगा हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके खूबसूरत चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा आपकी स्याह जुल्फों की कसम, आपके स्याह फैले हुए बालों की कसम, भला आपका रब आपको छोड़ सकता है? भला आपका रब आप पे नाराज हो सकता है? ये हरगिज नहीं। अलम यजिद का ये, हाँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, ये दुनिया जाने वाली है, आखिरत बाकी है। आपने फरमाया अना सैयदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, क़यामत के दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। अना ख़तीबहुम इज़ा उनसतु, लोग खामोश होंगे मैं बोलूँगा,
अनकायदहुम इज़ा वफ़दु, लोग चलेंगे मैं लीड करूँगा। अनशाफ़हुम इज़ा हुबसु, कदम रुक जाएंगे मैं शफात करूँगा। अनमुबश्शिरहुम इज़ा अयसु, वो ना उम्मीद होंगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। इजाज़त है खड़े होकर पी लूँ? मफातीहुल जन्नत बिजदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ अलैया अल्फ़ ख़ादिम का अन्नहुम लुलुम मकनून, चाली मेरे गिर्द 1,000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान माशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊँचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूँ, वाला सौफ युअती का रब का फतर रा, ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूँ कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है जी। अगर होता ना वला सौफा युअती का रब का थुम्मा तरज़ा, मैं आपको दूंगा फिर आप राजी हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब और हो जाता। फतरज़ा फतरज़ा, मैं फा का मतलब समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूँ। किसी को जब उसकी सोच से ज़्यादा मिले तो वो कैसे उसके एक्सप्रेशन होते हैं। yes. पिशावर में हमारी जमात, मेरे साथ अरब रॉयल फैमिली के नौजवान, एक पठान मांगता हुआ आया, खुदाए दा पारा खुदाए दा पारा खुदाए दा पारा, अल्लाह के नाम पे दो। अब ये 84 की बात है, तो आके गाड़ी के साथ ऐसे लग गया खुदाए दा पारा। अब वो सोच रहा था ये गाड़ी वाला 1 रुपया देगा या ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपये दे देगा। उस ज़माने में 4 आने 8 आने रुपया बहुत कम देते, 5 रुपये। वो बड़ी गाड़ी थी, वो तो खुदाए दा पारा अल्लाह के नाम पे दो। तो वो शेख जो थे उसने जेब में जितने पैसे थे सारे निकाल के उसके हाथ पे रखे। अब आप एक्सप्रेशन से समझना, खुदाए दा पारा खुदाए दा पारा खुदाए खुदाए खुदाए, उसने दौड़ लगा दी। मैंने कहा शेख पता ये क्यों भागा है, पूरे महीने का राशन इसको मिल गया। और दूसरा उसको ये शक है कि शायद गलती से इतने दे दिए बाकी वापस ना ले ले, तो वो भाग गया है। ये है फा फतरज़ा, मेरे महबूब आपका रब आपको इतना देने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। अलम यजीद का यह थी। अब पीछे ये सूरत आई क्यों? आप पर वही बंद हो गई और आप उदास हो गए और कुरैश मक्का कहने लगे वद्दअहु रब्बुहु वकला, इसका रब इसको छोड़ गया, इस पर नाराज़ हो गया। गैरों की बात बुरी भी बुरी लगती है, अपने कुछ कह दें तो ऐसा लगता है जैसे खंजर लग गया। तो हज़रत खदीजा ने कह दिया या रसूल अल्लाह अल्लाह नाराज़ तो नहीं, बस ये सुनना था कि आपका दिल मुट्ठी में आ गया। और उसी वक्त जिब्रील हांपते कांपते आ गए, वज़्ज़ुहा, अल्लाहु अकबर। देखो मसलन मैं फौजान पे नाराज हो जाता हूँ तो वो मुझे आकर मेरा एक्सप्रेशन देखता है ना, कहता है मौलाना अल्लाह की कसम मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मौलाना अल्लाह की कसम आपको शक पड़ गया, आपको याद नहीं हमने आपको 2 साल पहले बुलाया, उसके अगले साल भी बुलाया, अभी भी बुलाया और आपको इतना प्रोटोकॉल दिया, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ? ठीक हो गई बात, ये फौजान समझ में आ गई बात। अब अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नबी मुझे कसम है दिन और रात की, मुझे कसम है तेरे इल्म और तेरी चादर की, मुझे कसम है तेरे चेहरे तेरे खूबसूरत बालों की, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। कैसे? अलम यजिद का यतीम मन फआवा, आपको याद नहीं आप यतीम थे मैंने आपको ठिकाना दिया। वजद कद्दालन फहदा, आपको याद नहीं आप मेरी तलाश में थे
मैंने आपको अपना आप बता दिया। वजदका एलन फ़ना, आपको याद नहीं कि आप बड़ी तकलीफ में थे और कमी में थे, तो मैंने खदीजा से आपकी शादी करवा के आपको मालदार बना दिया। अगली सूरत भी इसी से जुड़ी हुई है, अलम नशरह लक सदरक, मैंने आपका सीना खोला, भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ। वदअना अनका विज़रक, मैंने आपके बोझ हटाए, भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, वो बोझ जिन्होंने आपको दोहरा कर दिया था, मैंने वो बोझ हटाए, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ। फिर आगे अल्लाह ने नसीहत की, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, व अम्मस साइल फला तन्हर, व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। तो मेरे महबूब, आप यतीम थे, कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया। मेरे महबूब, आप मेरी तलब में थे, आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया। और मेरे महबूब, मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई, तो आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें। इस सूरत में इतना खूबसूरत तनासुब है। पीछे चलो, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, दलील क्या है? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, भला मेरे महबूब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, आप यतीम थे मैंने ठिकाना दिया। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल उला वला सौफ़ युअतीक रब्बुक फतरला। तो अगली आयत आ रही है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल उला। इसका उसके साथ जोड़ है, ववजदका आइलन फ़अग़ना, इसका आखिरी आयत के साथ जोड़ है, ववजदका आइलन फ़अग़ना और वला सौफ युअतीका रब्बुक फ़तरला। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ, पहली मा वद्दअका रब्बुक वमा क़ला, ये जाके जुड़ती है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा वला लाखरतु खैरुल्लक मिनल उला वला सौफ युअतीका रब्बुक फ़तरला। और आगे क्या आ रहा है, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। ये तीन तीन का सेट है, मा वद्दअका रब्बुक वमा क़ला, ये जाके जुड़ता है अलम यजिदक यतीमन फ़आवा वलल आख़िरतु खैरुल्लक मिनल उला, ये जाके जुड़ता है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा वला सौफ युअतीक रब्बुक फ़तरला, ये जाके जुड़ता है ववजदका आइलन फ़अग़ना। फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं, मेरे महबूब अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। सुब्हानअल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है, सही बात है, के वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, तो लग रहा फ़अम्मस साइल फ़ला तन्हर, मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया, आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस। ये सूरत वज़्ज़ुहा में ही मैं गुम हो जाऊँगा, मुझे तो थोड़ा आगे ये बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कसमें उठाई हैं, कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है, फला व रब्बिक لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم،
अब थोड़ा गौर फरमाएं, अल्लाह मेरे नबी का रब है जी, अल्लाह हम सब का रब है, अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम, ला युमिनून। ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी ग़ुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूँगा। इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर, मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया, भाई एक सौदा करते हो? का जी क्या? का ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, वो उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए, ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा, जा मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूँ? कहा, अच्छा भाई मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है, पक्के हो? फिरोगे तो नहीं? कहा, मैं पागल हूँ, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा, डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा, कैसे किया? कहा, सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा, फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिद्दाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। सही बात बोल रहे हैं। मेरे नबी की, जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा, ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? आपको पता नहीं मैसी कोई था? हाँ, आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा, बेटा बुरे लगते हैं। कहा, कैसे मैसी के बाल हैं बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है, उसको फॉलो करता है, अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है। हाँ, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 30 रोज़े नहीं हैं, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वजा शक्ल सूरत, सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है, कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था, तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया, सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता अच्छा। तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्म माबद अल खुज़ाईया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊँगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूजिक वो आप सब महसूस करेंगे।
वो बद्दू औरत कहती है رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. الله پتا چلا الفاظ کا ردم جی وہ کوئی بولو تو صحیح کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامند کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ کیا کہ انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ جی تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو سموسے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیون اپ. وہ کہتے ہیں اس میں تو گیس ہوتی ہے اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے رست اناس ہو گیا. کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندھی تھی اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی. میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم. کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج ماشاءاللہ اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی. حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. داڑھی بڑی خوبصورت تھی. زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا. گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا. جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المنکبین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے. رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا. اور یمشی تکفین کندھے جھکا کے چلتے تھے. اللہ یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے جی. اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے ایسے چلتے تھے تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلے. جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے. خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں عالی نسب ہوں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں ابوالقاسم میں طٰہٰ میں یاسین.
ये जो माएँ बैठी हैं इनसे पूछो, मैं एक मिसाल देता हूँ, मोहब्बत होती है ना छोटा बच्चा गोद का, मेरा चांद मेरा दुलारा, ये इसका बच्चा है बटन जितना, ये नबील का इतना सा है, तो उसको कभी यूँ उठाता है, कभी यूँ उठाता है, कभी यूँ उठाता है, कभी यूँ उसको लोरियाँ देता है, मेरा चांद मेरा कॉला टिट, मेरा चांद मेरा चांद मेरा चांद। तो मेरे रब को अपने हबीब से मोहब्बत है, तो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता, चूँकि मोहम्मद कहने से मोहब्बत का फ्लो निकलता नहीं, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के फ्लो को निकाला, मेरा मोहम्मद मेरा अहमद मेरा माही मेरा हाशिर मेरा आकिब मेरा फातह मेरा मेरा कासिम मेरा अबुल कासिम मेरा ताहा मेरा यासीन, ये अल्लाह ने अपने हबीब के नाम। और फिर कुरान में जाओ, शाहिद मुबशर नज़ीर दाई इलल्लाह सिराज मुनीर रऊफ रहीम अजीज़ हरीस मुजम्मिल मुद्दफ़र, ये अल्लाह का, अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों का नाम लिया, या ईसा या मूसा या यहया या इब्राहिम या नूह, नाम लेकर पुकारा, लेकिन अपने हबीब को एक दफ़ा भी या मुहम्मद नहीं कहा, बल्कि लकब से पुकारा, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुजम्मिल या अय्युहल मुद्दफ़र। मेरे रब ने अपने हबीब को सारी नस्लों में सबसे आली नस्ल बनाया और आपके नसब को आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन आदम। अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें, कौन वफादार है? हे क्यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम, यौम यफ़र्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौम इज़्ज़ मिन यौम इज़्ज़ बनीही व साहिबतिही व अखीही व फ़सीलतिही अल्लती तुवीही व मन फिल अर्द जमीअ कल्ला। क़यामत के दिन मैं कहूंगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है, मैं कहूँगा कौन हो कहाँ से आए हो, ये कहेगा अब्बा आप कौन हो कहाँ से आए हो, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है, माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफसी नफसी आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी इस्माइल इसहाक याकूब यूसुफ यूनुस ईसा मूसा यूशा लूत शुएब सालेह हूद सारे अंबिया नफसी 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 मेरी जान बचा मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती
वाह या रसूल अल्लाह, हम आपके कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती जी, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी, तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, मेरी उम्मत को, ये अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर सकता, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने। मेरी ईसा, पांच बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत ने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया? मेरा नबी कहता, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा, वाला सोफ माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। जी, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया, और नहीं तो मेरी माँ तो होती, चूंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, जी नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालदैन की इज्जत करो। यहाँ जब यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। एग्जैक्टली, मेरे नबी ने फरमाया, जी हाँ, उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करण की शाख से होगा। मुग्गा टाइम, अच्छा अच्छा उसे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी, या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए, फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्ण वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम कर्णी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी, मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अवैस उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है, किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए, तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। Exactly. फरमाइए yes. आप हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ। yes. तो वो रोने लगे, आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मस्किन मैं दुआ करूं, मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है, उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? yes, नहीं exactly. इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। जी। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया, तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा ओवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा, ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? माँ सुनो हदीस, माँ तज़वश्त व माँ ज़वश्त इल्ला बिवहयिन मिन अस्समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई, आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुकमे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयहवन अलैल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था, जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे, खामिंद अपनी बीवी को दे। हुन्न लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिंद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को
किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भी चले जाओ सारे आगे। सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह, हम आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। मैं कैसे लगाएं? तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा सहाबा से जाओ भी चले जाओ आगे 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 आगे, वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी है जी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो आपने कहा हाज ही बेतिल का आयशा, तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था जी, हाँ। जी। कि घर में घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा, अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे जी, जी, हाँ। ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो, बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए, वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं, इतने बड़े हस्ती इतने बड़े नबी और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं, फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन जैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते, फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज फर्ज और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो माँ बनो, थानेदार ना बनो बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं, तो मुझे देखना आपने यहाँ से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, और जब नमाज से फारग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तो दो हुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेजे पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, सुभान अल्लाह, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुख्सत फरमा दिया, फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, वो रोने लगी, कहा रो नहीं तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ, यूं ही आपने उनको यूं लिया तब कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे
कि एक बच्चे का सर कट के नेजे पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें, मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेका सलाम। कहा या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने नबियों की जानें निकाली नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं मेरे रब ने कहा, आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने के या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, ये जो हम बैठे हुए हैं गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर चेहरे पर लेकर, का जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया जी हाँ, कि जी, मेरे महबूब बगैर पूछे नहीं जाते, आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को ना मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर जी, रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं, करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं, फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ गई, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी, जिसके लिए कायनात बनाए आयशा भूख बड़ी लगी। तो आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूँगा। मेरे अजीजो, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ जी। और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ़ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहाँ से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो, यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो, ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं हैं, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है, तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ के कानून को औरों से ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो,
वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो, तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह, किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे, हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे, हमारी खिदमत नहीं देखेंगे। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायदादें ना बनाओ, यहाँ अपना सब कुछ खर्च करो, वहाँ कारोबार ना करो, यहाँ कारोबार करो, उधर ज़कात ना दो, इधर ज़कात दो, यहाँ भी बहुत ज़कात के मुस्तहिक लोग आपको मिलेंगे, यहाँ खर्च करो। Exactly. और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, फौजान बेटे का जिससे मुझे तीसरी दफा बुलाया, तो इधर 0-0 हो गया है सबको, तो मैं भी ऑफ हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाह, बहुत ज्यादा अच्छा बयान था उनका, बहुत ज्यादा अच्छा बयान था, बहुत ज्यादा अच्छा था। एग्जैक्टली एंड उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बातें बताई, आपने सुनी भी होगी। एंड वो बोले आइडल अपने नबी को बनाओ, एग्जैक्टली पूरा फुल बयान था, बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड हम लोग तो ऐसे सुनते ही रहते, एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको देखकर। एंड मतलब ऐसा सुनना चाहिए इनका बयान, एंड बोले नबी को मानो, एंड नबी का नाम लो, एंड नबी के आइडल बनाओ, आइडल बनाओ। एंड मतलब उन्होंने बहुत सारे बातें भी बताई कि मेरे नबी इतने खूबसूरत थे, लंबी लंबी आंखें जो लड़कियां लगाती ना, नकली लगाती ना, हाँ जो वो होता है, मतलब उन्होंने पूरा डिटेल में हर एक चीज बताई, सब कुछ इतना डिटेल में बताया। एंड वो बीच में थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका यह बयान सुन के। कैनेडा में था उनका, एंड उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि आप चाहे आप जिस कंट्री में रह रहे हो, उस पासपोर्ट की हर एक रूल्स की इज्जत करो, सब कुछ मानो रूल्स, लास्ट में उन्होंने बोला ना, एंड सब कुछ बताया उन्होंने, इतना सब कुछ बताया। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये वीडियो देख के। सो ओवरऑल हम दोनों की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। एग्जैक्टली, सो ये था हमारा रिएक्शन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, बाय।